प्लीज आज जाने दें। आई प्रॉमिस आज का सारा पेंडिंग काम ना मैं कल आकर कर दूंगी। जाने दो यार, इतने प्यार से तो रिक्वेस्ट कर रही। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझसे ऐसे कोई रिक्वेस्ट करता तो मैं तो कभी मना ना करता। मिस मैरोनी साहब, आप जाएं। मुझे परमिशन मेरे बॉस से चाहिए, आपसे नहीं। सर वो एक्चुअली मुझे ना आज घर जल्दी जाना है। मैरोनी साहब आपको पता भी है, दो मीटिंग्स ऑलरेडी पेंडिंग में है और अब आपको घर जल्दी जाना है, इस तरह काम नहीं होता। सर एक्चुअली मेरी बीजान आ रही है। बीजान? आई मीन मेरी फूफो आ रही है और अगर मैं घर टाइम पर नहीं पहुंची ना तो बहुत डांट पड़ेगी। सर प्लीज आज जाने दें। आई प्रॉमिस आज का सारा पेंडिंग काम ना मैं कल आकर कर दूंगी, पर आज जाने दें। आपके साथ हमेशा ही कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। अभी दो दिन पहले भी आपका कोई मसला चल रहा था, आज आपकी फूफो आ रही है, कल आपकी खाला आएंगी। नहीं, और खाला तो नहीं आ सकती। क्या मतलब? सर वो एक्चुअली वो मेरी एक ही खाला थी ना, तो वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। पर प्लीज सर आज जाने दें, क्योंकि अगर मैं घर टाइम पर नहीं पहुंची ना तो फूफो के साथ साथ आज अम्मी भी मुझे नहीं छोड़ेंगी, बहुत डांट पड़ेगी। प्लीज सर जाने दो यार, इतने प्यार से तो रिक्वेस्ट कर रही। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझसे ऐसे कोई रिक्वेस्ट करता तो मैं तो कभी मना ना करता। मिस मैरोनी साहब, आप जाएं। मुझे परमिशन मेरे बॉस से चाहिए, आपसे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपको शाहनवाज के कहने पर इजाजत दे रहा हूं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, अगर आपकी परमिशन नहीं है तो मैं जल्दी घर नहीं जाना चाहती। मैं अपना काम कंप्लीट करके ऑफिस टाइमिंग पे घर जाऊंगी, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। थैंक यू सर। सी शी इज अ डिफरेंट गर्ल, आई एम सरप्राइज्ड। तो बता बस क्यों रहे हो? कभी कभी हल्की सी मुस्कुराहट की बहुत गहरी वजह होती है। सादिया मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी बीजान कहिए। भाई असल में आज मैं यहाँ एक खास मकसद से आई, जरूरी बात करनी थी इसलिए तुम सबको इकट्ठा किया। मैं चाहती हूँ कि राफे की और मेहरू की अब शादी कर दी जाए। क्या राफे और मेहरू की शादी? मेरा मतलब है इतनी जल्दी क्यों बीजान? जल्दी और देर क्या परवीन, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। अब बच्चे दोनों हमारे ही हैं ना, फैसला भी हमें ही करना है, तो फिर वक्त क्यों जाया करें, है ना? क्या ख्याल है साथिया? जो आपकी मर्जी हो बीजान। सादिया तुमने क्या सोचा फिर? तुम खुश नहीं हुई इस बात पर? नहीं बीजान, ऐसी बात नहीं है, बेटी का मामला है, आपको तो पता है 10 काम होते हैं, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा, बस यही टेंशन है। अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो, हम सब हैं, परवीन तुम्हारे साथ है। ठीक है तो कह रही हूँ बीजान, तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत, आखिर को तुम बेवा, कोई दीवार देखना कोना पकड़ना और हाथ बांध के खड़ी हो जाना। फिरोज है ना, उन बरस रहा इनके पास, तो सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे। कितना कहा था मैंने, कितना कहा था कि अपनी बेटियों को उल्टी सीधी तालीम दिलवाने के बजाय जहेज के लिए कुछ पैसे जमा करके रख। लेकिन नहीं भाई, आप तो पुरसुकून थी ना, आपका सारा खर्चा उठाने के लिए है। भाई इन सब चीजों के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, राफी मेरा एक ही बेटा है और मेहरू मेरी भतीजी है, हम सब कुछ मिलकर करेंगे ना। खर्चे के लिए परेशान मत हो, सब मेरी जिम्मेदारी है। बस तुम लोग एक डेट डिसाइड कर लो और मुझे बता दो, फिर उस पर रसम कर लेते हैं। ठीक है बीजान, जैसे आपकी मर्जी। बीजान मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो बेटा। I'm sorry बीजान, पर मैं ये शादी नहीं करना चाहती।
कहाँ क्या हुआ बताएं ना, कब की डेट फिक्स हुई शादी की? अम्मा मैं कुछ पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हो और क्या बताऊं तुम्हें कि तुम्हारी उस चहेती ने शादी से इनकार कर दिया? शादी से इनकार कर दिया? क्या हो गया मामा, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैं वहां पर गई और मैं बहुत मान से गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लड़की मेरे मुंह पर इनकार कर देगी। मना कर देगी क्यों? ये सब मुझे नहीं पता, बेहतर है कि तुम उससे खुद पूछ लो, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की अपनी जिंदगी से चाहती क्या है। देखिए इक्तदार जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।